अबे साले सस्ते नशे करके बैठा है क्या? मैं हूँ पंकज। पंकज तू? अबे क्या तू थर्ड ग्रेड बॉलीवुड मूवी का भूत बन के घूम रहा है? ये क्या थोप रखा मुंह पे? अबे मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं इसे, और इसे लगा के मैं और हैंडसम हो जाऊंगा। मिट्टी नहीं टट्टी लग रही है। अबे साले थोड़ा कम बोल वरना पिट जाएगा मेरे से। क्या कर लेगा है तेरी तो। रुक जा, कोई आया है। इस टाइम कौन आया होगा भाई? कहीं मकान मालिक? अबे नहीं, वो तो 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पे गया है। पक्का मिसेज मालकिन होंगी। हाय, मैं गेट खोल के आता हूँ। अबे रुक बे, मकान मालकिन नहीं, थर्ड फ्लोर वाली पुरी आई होगी। जरूर उसे मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी, चाय पत्ती चीनी कुछ ना कुछ जरूर लेने आई होगी। तो रुक, मैं जाता हूँ। नहीं, अबे हाथ छोड़, अबे हाथ छोड़। यहाँ क्या कर रहे हो अंकल जी? अबे कंजर हो, मुफ्त में रहते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि ये घर मेरा नहीं है। आपका क्या मतलब है? नहीं नहीं, आपका ही घर है, जब चाहे तब आओ। मेरा मतलब है आप तो बाहर गए थे ना बिजनेस ट्रिप पे। अरे हाँ, वो वायरस की वजह से मेरी बैंकॉक की फ्लाइट कैंसिल हो गई। बैंकॉक वाली बिजनेस ट्रिप हो रही है, आंटी जी को पता है? ओए, मुझे ब्लैकमेल करता है क्या? आपको पता है इस लड़की के बारे में? अबे पता होता तो तेरा चैनल लगाता। नहीं नहीं, तू जाके पोगो ही देख, मैं तुझे बताऊंगा इस लड़की के बारे में। लड़की? भाई सुनना, तो बताना यार, भाई नहीं है क्या? बोल बोल। ध्यान से देखिए इस चेहरे की शान, भोले भाले जवान लड़कों को अपने जाल में फंसा कर ले लेती है उनकी जान। बाबा बाबा, इरशाद इरशाद। अबे सस्ते गालिब न्यूज़ सुना। ध्यान से देखिए, शहर में घूम रही है ये कातिल हसीना। साले टिंडर का थंबनेल लगा के क्राइम पेट्रोल दिखाता है। शहर के सभी ठर की लड़कों को दी जा रही है वार्निंग कि ये लड़की जहाँ कहीं भी दिखाई दे इससे बच कर रहे। क्या आपको पता है इस कातिल हसीना से बचने का उपाय? अरे यार, इसको कौन न्यूज एंकर रखा है बे? नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा ना, तू किस बात की सैलरी ले रहा है? रुक, अभी तेरे चैनल वालों को फोन करता हूँ। अरे अरे भाई भाई सुन तो ले, सुन ना एक बार प्लीज। इस कातिल हसीना से बचने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है शादी। ये कातिल हसीना अपने शिकार से शादी करके उसका खून कर देती है। इससे पहले वो आपसे शादी करे, आप तुरंत भाग जाएं, तभी आप बचेंगे। विभू सुनो, देख कौन आया मकान। बस आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पहले ही पता था मिसेस मालकिन आई होंगी। हेलो स्वीट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, यही बताने आए थे। चलो बाय। अबे वो बाय के बच्चे, आज मैं अपना किराया लेकर ही जाऊंगा। लेकिन किराए के पैसे तो मैंने अपने दोस्त अंशुल को दे दिए, वो क्या है ना, मुझसे पैसे खर्च हो जाते हैं। कौन अंशुल? अबे अंशुल, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाँ अंशुल, अंकल जी हमारे सारे पैसे और जीवन भर की कमाई सब अंशुल के पास है। फोन लगा अंशुल को। अब उसको फोन कहाँ से लगाऊं? क्यों, उसको फोन क्यों नहीं लगा सकता? वो अंशुल ना यहाँ से 300 करोड़ किलोमीटर दूर रहता है, वहाँ एलियंस और नेटवर्क दोनों नहीं आते। कोई बात नहीं, उसके घर चलो, आज तो किराया लेकर ही जाऊंगा। कितना किराया हुआ आपका? अभी आपके मुंह पे फेंक के मारते हैं। हाँ बोलो कितना किराया हुआ है? वैसे तो 8 महीने का बहुत हो गया, लेकिन तुम 50,000 ही दे दो। अरे अंकल जी, अंशुल के घर जाने में 55,000 की तो फ्लाइट की टिकट लगेगी। पर फ्लाइट तो कैंसिल हो गई अंकल जी। अबे ओ, बैंकॉक की हुई है, हम लोग मेरी गाड़ी से जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको रात भर रोड पे घुमाते हैं, हमारा नाइट आउट हो जाएगा इसकी गाड़ी में, और टाइम पास भी बढ़िया हो जाएगा, और जब इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वापस घर आ जाएंगे। चले चलो। अंकल लेफ्ट 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 लो। अंकल जी राइट 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 राइट। अबे अभी तो राइट आया नहीं अंकल जी, आगे से राइट। अंकल जी कुटा कुटा लो, हाँ स्पीड ब्रेकर पे। अंकल आगे खाई आएगी।
स्पीड ब्रेकर आया नहीं, कूद रहा है अंकल के मजे ले रहा। अंकल आगे खाई आएगी, उस खाई से कूदा देना और हमें पहले उतार देना। हाँ। अंकल जी वही 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 खाई है, कूदा दो। अंकल जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अंकल जी नाराज हो क्या? ये हम एक ही गली में बार बार क्यों घूम रहे हैं? अरे अंकल जी आप हम पे शक कर रहे हो? बताइए, हम पे भरोसा ही नहीं है नेक भर का। एक काम करो, आप वापिस हमें हमारे घर ले चलो, हमें नहीं जाना आपके साथ। भरोसा ही नहीं है तो क्यों जाना? बताइए अंकल, वापस मोड़ो। अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, चल तो रहा हूँ। अंकल जी राइट राइट, अंकल जी अब आगे से स्ट्रेट नोज की सिधाई में फिर राइट। अंकल जी अब आगे जाओ और राइट में अपना सर दे मारो। अभी ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? लगता है आपकी जवानी की तरह इस गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया अंकल जी। हाँ मैं तो कहता हूँ मरने से पहले अपनी वसीयत में घर गाड़ी बीवी मेरे नाम कर दो। बीवी? अरे नहीं नहीं ये तो मजाक कर रहा है। हाँ गाड़ी और घर नहीं दोगे तो भी चलेगा। बकवास बंद करो, तुम्हारा उधार और गाड़ी में पेट्रोल बहुत है, नीचे उतरो देखना पड़ेगा क्या हुआ है। अरे अंकल जी कुछ आता भी है, ये ऐसे ही फ्रिज की तरह बोनट खोल के खड़े हो गए हो बस। इसमें से ठंडी हवा तो आ नहीं रही। अबे चुप कर, बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर लग रहा है, बारहवीं तो तेरे बार में पास करी थी। अरे हटो अंकल जी मुझे देखने दो। अरे अंकल जी इसमें पानी खत्म हो गया है, पानी डालना पड़ेगा तभी ये गाड़ी आगे चलेगी। अब इतनी रात में पानी कहाँ से लाऊं? भाई सुसु आ रही है, चलेगा? हाँ एक काम करता हूँ, यहाँ शौचालय का बोर्ड लगा लेता हूँ, एक नंबर 2 रुपए और 2 नंबर 5 रुपए। अंकल जी एक होटल का बोर्ड भी लगा दो, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, किराया लेना भूल जाओगे। अंकल जी एक मस्त प्लान है मेरे पास, भूख चलेगा? अबे इसे अपने और इसकी बीवी के चक्कर के बारे में बता दे, रो रो के आंसुओं से भर देगा। बकवास बंद करो और चलो धक्का लगाओ, चलो। अरे धक्का मार ले यार विभू, कहाँ फंसा दिए इस बुड्ढे ने। अरे अंकल जी गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे लगता है इस घर में पानी जरूर मिल जाएगा। हाँ मुझे लगता है खाने को भी मिल जाएगा कुछ। भाई मुझे तो सुसु आ रही है, मैं सुसु करके आ रहा हूँ। जा जा अंदर आ जाओ उस घर में, चलो। बात करो, तू कर। अरे अंकल जी आप बात करो ना। अबे तू कर लेना। हाँ जी कौन? हाय मायसेल्फ पंकज एंड यू आर? यू आर के बच्चे? हाय मायसेल्फ पूनम। पूनम बेबी मैं मकान मालिक। मकान मालिक? लेकिन वो तो बहुत साल पहले ही मर गए। मर गए? इसका मतलब अंकल आप भूत हो? अबे मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। जिंदा हो ये पता लगाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? अबे क्या कर रहा है तू? दर्द हुआ? हाँ। रोना निकला? हाँ। इसका मतलब आप भूत नहीं हो, क्योंकि भूत रोतड़ू और फट्टू बिल्कुल भी नहीं होते। अरे अरे शांत हो जाइए, मैं अपने मकान मालिक की बात कर रही हूँ, वो अपनी शादी की रात ही चल बसे। ओ बेचारे। आप लोग बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो पूनम जी हमारी ना गाड़ी खराब हो गई है। पूनम जी आप हमारी कोई हेल्प कर सकती हैं? पूनम जी क्या तुम्हें मैकेनिक नजर आ रही है? अंकल जी कैसी बात करते हो? हाँ पूनम जी आसपास कोई मैकेनिक होगा क्या? हाँ पास में एक मैकेनिक तो है, लेकिन वो सुबह ही अपनी दुकान खोलेगा। ओ अब क्या करें?
लगता है आज रात गाड़ी में ही बितानी पड़ेगी। भूख भी बहुत तेज लग रही है। अरे नहीं नहीं, आप लोग चाहो तो अंदर आ सकते हो, फिर सुबह अपनी गाड़ी ठीक करा के चले जाना। अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रही है, हम मैनेज कर लेंगे। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। अरे अंकल जी, मुझे लगता है आपके अंदर सच में भूत घुस गए हैं। अरे इस उम्र में कहाँ रात बिताओगे, जब पूनम जी इतने प्यार से कह रही है तो अंदर चल लेते हैं। क्यों पूनम जी, आइए अंदर आइए। हाँ ठीक है। ओए विभू, जल्दी अंदर आ जा। पंकज इसी घर में गया है ना? पंकज, पंकज, पंकज कहाँ है? अरे आप लोग बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। भाई मैं सुसु करके आया हूँ, हाथ का धोऊं? अबे मैं भी पहली बार इस घर में आऊं, मुझे क्या पता, जाके ढूंढ ले वॉशरूम कहीं पे। अच्छा और सुन, हाँ? इस मकान मालिक को भी साथ ले जा, फ्लश कर दियो। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, जा जा ना। अरे टॉवल मिलेगा क्या? हाँ जी ये लीजिए। पागल है क्या, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे भूत देख लिया हो। नहीं नहीं, भूत तो रोज देखता है, भूत से नहीं डरेगा। कहाँ देखता है तुम्हारी शक्ल रोज, आप तो कभी कभी आते हो। भाई ये कौन है, तू इस लड़की को कैसे जानते हैं, ये कहाँ मिली? अच्छा भाई ये ना पूनम जी है, ये इसी घर में रहती है। और भाई ये बहुत ही लकी है, क्योंकि इनका मकान मालिक शादी की रात को ही मर गया था। हमारा वाला पता नहीं कब मरेगा। शादी की रात? इससे पहले वो आपसे शादी करे आप तुरंत भाग जाए, तभी आप बचेंगे। क्या हुआ, आप मुझे देखकर भाग क्यों गए थे? वो क्या है ना, इसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी देखी नहीं है, इसलिए घबरा गया थोड़ा। ओह थैंक यू थैंक यू, मुझे कॉम्प्लीमेंट देने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। वैसे आप सिंगल हो? हाँ फिलहाल तो हूँ, लेकिन जल्द ही शादी करने वाली हूँ। शादी? आप पे तो बहुत लड़के मरते होंगे शादी करने के लिए। अबे शादी करने के लिए नहीं, शादी के बाद मरते हैं। मतलब? अरे आप इन दोनों को छोड़ो, ये बताओ कैसा लड़का चाहिए आपको? मुझे तो कैसा भी लड़का चलेगा शादी के लिए, बस कुवारा होना चाहिए। कुवारा तो मैं है नहीं, कुवारे तो ये है नहीं, शादी जो हो चुकी है इनकी। और अगर ये बिजनेस ट्रिप के नाम पे बैंकॉक ना जाते तो विभू के जितना बच्चा होता आज इनका। पर फिलहाल तो विभू इनके साथ रहता है। आप लोग बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। भाई लगता है आज तुम्हारे भाई का घर बस ही जाएगा। पे भाई घर बसने की जगह कहीं ये लड़की तुझे डस ना ले। अल्बे इतनी क्यूट लड़की, तुझे कहाँ से सीरियल किलर लग रही है? कितनी क्यूट है मेरी पूनम जी, और तू सीरियल किलर बता रहा है। अबे तू सुसु करने गया था, अपना दिमाग भी वहीं गिरा के आ गया। अरे भाई भरोसा करो, ये लड़की कुंवारे लड़कों के साथ शादी करती है और शादी की पहली रात में मार देती है। तू ना बस जलता ही रही हो भाई की खुशियों से, और मुझे नहीं पता आज मैं पूनम जी को अपने दिल की बात बोल कर ही रहूंगा, और तू ना बीच में मत आइयो। रुक अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। अरे आप खड़े क्यों, बैठिए ना। बैठ जाऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ मकान मालिक की मौत कैसे हुई थी? वो अपनी शादी की रात ही चल बसे थे। जब मरे थे तो वो कितने साल के थे? लगभग 22-23 साल। बहुत गुड लुकिंग रहे होंगे। हाँ बहुत ज्यादा हैंडसम थे। लगता है आपको काफी ज्यादा प्यार था उनसे। और उनकी दुल्हन कौन थी? मैं। और उनकी मौत के बाद मैं अकेली रह गई हूँ। पर अब आप अकेली नहीं हो, आपका पंकज आ गया है ना आपके पास। ये मरेगा आज पक्का। आप लोग चाय नाश्ता करो, मैं चेंज करके आती हूँ। भाई
ये तो सच में कातिल हसीना निकली। अरे मैं तो तब से बोल रहा था, पर ये तो अपने मकान मालिक को भी मार चुकी है शादी के बाद। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? पता नहीं कहां से तुम दोनों को मेरी पूनम जी कातिल हसीना लग रही है। मुझे तो लगता है हम दोनों का कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है। अबे तेरा दिल है या मोबाइल का सिम, जहाँ देखो कनेक्शन ढूंढ बैठता है। भाई तुझे मरना है तो मर, मैं तो जा रहा हूँ। माना कि तू एक नंबर का कुत्ता कमीना लिचड़ और घटिया इंसान है, माना कि तेरे वॉलेट से मैं पैसे चुराता था, माना कि तेरी पिछली वाली गर्लफ्रेंड के साथ मेरा अफेयर था, और माना कि तेरे घर पे तेरी कॉलेज वाली बात मैंने बताई थी। पर भाई तू मेरा बहुत खास और जिगरी दोस्त है, मैं तुझे मौत के मुँह नहीं उतरने दूंगा पंकज। नहीं पंकू सुनो। आया बेबी आया। आपने बुलाया? ये बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? बेबी सारे कलर ही मेरे फेवरेट हैं, पर आज से जो तुम्हारा फेवरेट कलर वो मेरा फेवरेट कलर। तुम ये बताओ तुम्हें सूट पसंद है या शेरवानी? मुझे कुछ भी चलेगा, बस हमारे ख्यालों की तरह हमारे आउटफिट भी मैच करने चाहिए। ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ, तुम बाहर बैठ जाओ। भाई इसे मरने दे, हम चलते हैं, चलो भाग। भाई अब क्या करें, ये तो गेट ही नहीं खुल रहा, हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? लगता है आज की रात हमारी आखिरी रात होने वाली है। आप एक काम करो अपने बीवी को कॉल लगा के दो। ये ले बेबी, आज की रात हमारी आखिरी रात होने वाली है। आई लव यू सो मच, और तुम्हारा जो पति है ना वो बिजनेस ट्रिप के नाम पे बैंकॉक जाता है। बाय, आई विल मिस यू। अरे कुत्ता! भाई पंकज उसने तो गेट अंदर से लॉक कर लिया है, अब हम यहाँ कैद हो गए। कैद तो मैं हो गया हूँ मेरी पूनम जी के प्यार में। अबे कैद नहीं, अवैध हो जाएगा तू, किसी को पता भी नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा। और मेरा किराया, ये देखो इस चिंदी आदमी को, मौत सर पे नाच रही है लेकिन इस मनुष्य को अपने किराए की पड़ी है। तुम दोनों ने मेरी पूनम जी के बारे में बोलना बंद करो। तूने मुझे चिंदी बोला? अबे तू जो है चिंदी तेरी तो, और मेरी पूनम जी के बारे में बोला। अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हो? ये आपने शादी के कपड़े क्यों पहने हैं? क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? मेरे पास और भी हैं अलग अलग कलर में। अरे ये इसमें गहनों में इतनी LED लाइट क्यों लगा रखी है? पूनम जी उठिए, पूनम जी। ये मेरी पूनम जी के साथ क्या किया? पूनम जी होश में आइए, पूनम जी। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? हमें सब पता चल चुका जो तुम करना चाह रही हो। तू पागल हो गया क्या विभू? क्यों परेशान कर रहे मेरी पूनम जी को? उनके नाजुक कोमल कोमल हाथ बांध दिए तूने। अबे चुप हो जा मजनू की फर्स्ट कॉपी। आप लोग क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे 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 कितनी भोली बन रही है, ये जो लहंगे गहने इतनी शेरवानी लेके घूम रही है, चांदनी चौक पर तो दुकान होगी ना तेरी? आपको कैसे पता है? हाँ मेरी चांदनी चौक में शॉप है, और जब भी न्यू स्टॉक आता है ना तो मैं घर पे ले आती हूँ क्वालिटी चेक करने के लिए। देखा तुम लोग खावा खा मेरी पूनम जी पे शक कर रहे थे। तू बीच में मत बोल, चुप करके बैठ जा, ये झूठ बोल रही है। यकीन नहीं आता ना तो जाओ उस टेबल पे विजिटिंग कार्ड रखा है, जाके चेक कर लो। हाँ चेक तो मैं जरूर करूंगा, रुको। यार पंकज ये तो सच बोल रही है। अच्छा ये दूसरी वाली फोटो में कौन है?
ये मेरी ट्विन सिस्टर है शबनम, अभी हमारे साथ नहीं रहती। शादी की पहली रात ही इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये घर छोड़कर भाग गई। देखा, मैंने कहा था ना मेरी पूनम जी बहुत इनोसेंट है, तुम खामखा कंफ्यूज हो रहे ट्विन सिस्टर के चक्कर में। इसका मतलब ये कातिल हसीना नहीं है? हाँ नहीं है पूनम जी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं रीबॉक और रीबुक में अंतर ही नहीं पहचान पाया। हाँ तुझे तो मैं कंफ्यूज करता हूँ। अरे रे पंकज, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे? वो शेरवानी का न्यू स्टॉक आया ना, तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। हाँ चलो ना बेबी। चलो हाथ तो खोल दूँ। विभू वो देख, इसका मतलब पूनम जो चांदनी चौक की शॉप की ओनर है वो मर चुकी है। इसका मतलब ये शबनम है। तारा दिल हसीना पंकज। हे गाइस, आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। पार्ट 4 के लिए कमेंट जरूर करना, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रेड वाला बटन है इसे दबाओ, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। 10 मिलियन होने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके 10 मिलियन करा दो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और पार्ट 4 के लिए कॉमेंट करके जरूर बताना। बाय गाइस, टेक केयर।